हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं 1 ईयर बेबी के लिए अप्पम। इसे आप 7 या 8 मंथ प्लस जो बेबीज़ होते हैं, जो थोड़ा सा चबाना सीख जाते हैं, उन्हें भी दे सकते हैं, क्योंकि बहुत सिंपल सा है। और वीर को मैं नॉर्मली अप्पे, तो शायद वो 8 मंथ का था तब दिया था, और सूजी का जो मैंने उसके लिए चीला बनाया करती थी, तो वो मैं 7th मंथ से दे रही हूँ। तो आप दे सकते हो ये बेबी को 7 मंथ के बाद। तो उसके लिए मैंने रवे को दही में सोख करके रख दिया है, और यहाँ मैं चटनी की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ मैं घर का ही जो अच्छा फ्रेश मिंट है, पुदीना, उसे ले रही हूँ, और धनिया लिया है, पुदीना लिया है, ग्रीन चिली ली है, उसमें थोड़ा सा गार्लिक डाला हुआ है, और उसमें मैंने ऐड किया है जीरा और नमक। अब थोड़ा सा पानी डालकर उसका फाइन पेस्ट बना लिया है, और उसमें मैं आखिरी में लेमन ऐड करूँगी। अब जो सूजी और दही का हमने बैटर बनाया है, उसमें मैंने थोड़ा सा पानी भी ऐड किया था, पर ज़्यादा पानी मैं ऐड नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं इसमें इनो नहीं मिलाने वाली हूँ वीर के लिए, तो इसलिए मैं ज़्यादा दही ऐड करती हूँ। तो यहाँ मैंने तेल में हींग डाला है, जीरा डाला है, राई डाली है, इसमें मैंने डाला है कड़ी पत्ता, और ये तड़का मैं डालूंगी जो हमारा बैटर है उसमें, क्योंकि राई जीरा का ये जो तड़का रहता है ना, इससे जो हमारे अप्पे बनेंगे ना, उसमें एक अलग ही फ्लेवर आ जाता है। और बस इसमें मैं थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करूंगी, थोड़ी सी काली मिर्ची ऐड करूंगी, क्योंकि वो तो हम बेबीज़ को वैसे भी दे सकते हैं। और फिर अब यहाँ पर मैंने जो अप्पम पेन रहता है उसे ग्रीस कर लिया है, और फिर अब मैं यहाँ पर अच्छे से अप्पे बनाऊंगी वीर के लिए। इसमें चाहे तो गाजर, शिमला मिर्ची, प्याज, टमाटर, ग्रीन चिली, ये सब ऐड कर सकते हैं जो आपका बच्चा खाता है उस अकॉर्डिंग। लेकिन मैं वैसे भी बनाती हूँ, लेकिन आज मैंने एकदम प्लेन बनाया है, और इसे वीर ने सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से खाया, मतलब वेजेस वाले भी अच्छे से खा लेता है वीर। लेकिन हाँ, ग्रीन चिली तो वैसे भी नहीं डालते बच्चों के इसमें, लेकिन फिर भी ये वाले वीर को ज़्यादा पसंद आए हैं, बजाय कि जिसमें मैं शिमला मिर्ची या गाजर डालती थी, वैसे वो ज़्यादा हेल्दी है। लेकिन आज मेरे पास गाजर नहीं थी, तो फिर मैंने सारी ही सब्जियाँ स्किप कर दी, एकदम प्लेन सा बना लिया। इसमें चाहे तो इनो या सोडा डाल सकते हैं, लेकिन मैं अभी वीर को, अगर मैं घर पे कुछ बना रही हूँ तो मैं ये सारी चीज़ें अवॉइड करती हूँ, तो इसीलिए मैंने दही ज़्यादा ऐड किया, और बहुत ही ज़्यादा फ्लफी बने थे, मतलब इतने अच्छे मुझे नहीं लगता सोडा से कभी बने होंगे, जितने अच्छे आज ज़्यादा दही डालने से बन गए थे। और खाने के बाद आज वीर इतना खुश हुआ है कि उसने अच्छे से आज पढ़ाई स्टार्ट कर दी, खुद से ही बुक उठाकर पढ़ने लग गया वो। और इसी के साथ वीडियो को एंड करती हूँ। ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना, और इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं वीर के हिसाब से बनाती हूँ, मतलब हम सबके हिसाब से बना लेती हूँ, लेकिन ऐसे बनाती हूँ कि वीर भी उसे इजीली खा सके, स्पाइसी नहीं होता है वो। तो इस तरह की जो रेसिपीज होती है ना, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, क्योंकि इसमें डबल कुकिंग नहीं करनी पड़ती हमारे लिए अलग, बेबी के लिए अलग, और साथ में चटनी बनाई ही है, तो आपको स्पाइसी वाली भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको ऐसा लगे कि बहुत ज़्यादा ब्लेंड टेस्ट आ रहा है, तो आप उसके साथ चटनी बना सकते हो। और अगर बेबी के लिए भी चटनी बनाना हो, तो आप मूंगफली की चटनी बना सकते हो, या फिर धनिया पुदीने की चटनी बना सकते हो, एक या आधी हरी मिर्ची डालकर। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आज की रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।